नमस्कार विद्यार्थियों, अंग्रेज़ों का भारत पर अधिकार, इस शीर्षक पर हमारा आज पांचवा व्याख्यान। इससे पहले चार व्याख्यान हो चुके हैं। विगत व्याख्यान की यदि हम बात करें तो उस व्याख्यान में हमने विद्यार्थियों प्लासी के युद्ध के कारण किए थे, और प्लासी के युद्ध में नवाब की पराजय के कारण उन सबसे पहले हॉलवेल के ऊपर बात की थी। और प्लासी के युद्ध में नवाब के पराजय के कारणों में हमने किया था नवाब का स्वयं का चरित्र, नवाब के व्यक्तियों का विश्वासघात करना, नवाब में आत्मविश्वास की कमी, मीर मर्दान की मृत्यु, नवाब की युद्ध सामग्री का उपयुक्त न होना, नवाब के सैनिकों में भी वो जज्बा, वो देशभक्ति, उत्साह, उसकी कमी, और सेनापति के रूप में क्लाइव की कूटनीति, क्लाइव की चालाकियाँ, क्लाइव के फूट डालने की नीति, वो सब मिले जुले कारणों से नवाब की पराजय प्लासी के युद्ध में होती है। अब हम आज करेंगे प्लासी की जो बैटल है, युद्ध है, इसका महत्व तो क्या था, इतिहास में इसका क्या महत्व तो है। सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो विद्यार्थियों प्लासी कुछ भी महत्व तो नहीं रखता। जितना युद्धों में होता है उसके आगे नगण्य है। फिर भी अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे दुनिया के निर्णायक युद्धों में माना है, और इस युद्ध के आधार पर ही क्लाइव को एक महान सेनापति और योद्धा माना जाता है। लेकिन वास्तविकता इससे परे है। अंग्रेज इतिहासकार पी.ई. रॉबर्ट्स ने तो इसे युद्ध की श्रेणी में ही नहीं रखा। इसीलिए विद्यार्थियों कई जगह पढ़ते हैं ना, प्लासी की लड़ाई एक छोटा रूप होता है, युद्ध एक बड़ा रूप होता है। तो ये प्लासी की लड़ाई, के.एम. पणिक्कर जो हैं हमारे यहाँ के इतिहासकार हिंदुस्तानी, वो लिखते हैं कि प्लासी की घटना एक हुल्लड़ तथा भगदड़ थी, युद्ध नहीं। संभवतः विद्यार्थियों इसका महत्व तो इसकी समाप्ति पर घटने वाली घटनाओं के आधार पर तय किया गया। हम सिलसिलेवार इस युद्ध के महत्व की बात करते हैं अलग अलग बिंदुओं में। सबसे पहला तो है राजनीतिक महत्व। राजनीतिक महत्व में इस प्लासी के युद्ध के राजनीतिक महत्व में एक तो विद्यार्थियों यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल व्यापारिक कंपनी नहीं रही, अपितु अब वो एक राजनीतिक शक्ति भी बन गई। इसीलिए इतिहासकार बी.बी. कुलकर्णी लिखते हैं कि इस दिनांक से, तिथि से, इस दिन से कंपनी के शासन, ठीक है ना, हम व्यापार नहीं लिख रहे हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर कुलकर्णी जी व्यापार नहीं लिख रहे हैं शासन, कंपनी के शासन का प्रादुर्भाव माना जाता है। और यहीं से भारत में कंपनी के शासन की अवधि जो है उसकी गणना की जाती है। एडमिरल वाटसन तो ये लिखता है, वो मतलब इससे भी आगे, कि प्लासी का युद्ध केवल कंपनी के लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा अपितु संपूर्ण ब्रिटिश जाति के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त यदि हम इसके युद्ध की राजनीतिक महत्ता की जो इसके बात कर रहे हैं,
तो बंगाल की शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। ठीक है, अंग्रेज जीत गए, मीर जाफर नवाब बन गया, लेकिन नवाब बंगाल की जनता के प्रति उत्तरदायी न होकर कंपनी के प्रति ही उत्तरदायी रहा। अतः उसने बंगाल की शासन व्यवस्था की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे नवाब का जो एक सम्मान होता है, ताज की, सिंहासन की, शासक की, राजा की, जनता में यानी कि प्रजा में जो श्रद्धा, आदर, इज्जत, गौरव, वो मृत प्राय हो गया, वो समाप्त हो गया। इसके अलावा राजनीतिक महत्व में इस पलासी ने मुगल साम्राज्य का अवसान यानी कि समाप्ति समीप ला दिया और भारत में आधुनिक युग का सूत्रपात कर दिया। बंगाल में ये सारे राजनीतिक परिवर्तन मुगल सम्राट शाह आलम के सामने होते रहे। वह अपने एक प्रांत को अंग्रेजी प्रभाव में जाने से नहीं रोक सका। अतः 1857 तक मुगल शासन केवल एक नाम रह गया। इधर अंग्रेजी शासन के प्रारंभ से ही भारतीय इतिहास का आधुनिक युग प्रारंभ हो गया। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि 23 जून 1757 को भारत में मुगल काल का अवसान हो गया और आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों, बंगाल जो कि दिल्ली से दूर था परंतु एक उपजाऊ प्रांत था, इस कारण वह भारत ही नहीं अन्य शक्तियों के प्रभाव से भारत इस कारण वह भारत की अन्य शक्तियों के प्रभाव से अप्रभावित रहा, क्योंकि दिल्ली से दूर था और वहाँ अंग्रेज़ों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी, क्योंकि मराठे भी दूर है वहाँ से, दिल्ली भी दूर है वहाँ से, राजपूत शासक भी दूर है वहाँ से। तो वो जो एक डिस्टेंस थी, अंग्रेज़ों को वहाँ पर कोई चुनौती नहीं थी, फ्रांसीसियों का विरुद्ध भी बिल्कुल समाप्त प्राय था। वस्तुतः अब जो है अंग्रेज़ साम्राज्य के स्थापना के मार्ग में कोई बाधा थी नहीं। भारतीय राजनीति की दुर्बलताएं स्पष्ट हो गई थी। अंग्रेज़ इस तथ्य से अवगत हो गए थे कि भारत में बहुत से स्वार्थी लोग हैं, असंतुष्ट भी हैं, लोभी भी हैं, लालची हैं, और वो लालच में अपने देश के साथ गद्दारी कर सकते हैं। ये गद्दारी की बात अंग्रेज़ों को समझ में आ गई थी, यानी कि भारतीयों की कमजोरी पकड़ में आ गई थी। और कंपनी को विजय के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को सैनिक और राजनीतिक शक्ति सुदृढ़ करने का अवसर मिल गया। कलकत्ता जब अंग्रेज़ों के हाथ से निकल गया था तो पहले बड़ा धक्का लगा, उससे अन्य यूरोपीय शक्तियों के हौसले बुलंद हो गए थे, परंतु अब पलासी ने पासा पलट दिया। इससे कंपनी की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और बंगाल में अब निरंतर राजनीतिक परिवर्तन होते रहे। अंग्रेज़ों के कठपुतली नवाब बनते रहे, अंग्रेज़ों के हाथ में सत्ता का रिमोट रहा। उन्होंने जिस व्यक्ति को चाहा नवाब बनाया और जिसको चाहा नवाब के पद से हटाया। विद्यार्थियों, बात करेंगे आर्थिक महत्व की। देखें, आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। उसका मूल उद्देश्य भारत में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करके अपना आर्थिक लाभ अर्जित करना था।
अतः इस विजय के परिणाम स्वरूप कंपनी को आर्थिक लाभ होना स्वाभाविक था। प्लासी की लड़ाई के उपरांत अंग्रेज बंगाल में आबाद समस्त यूरोपीय जातियों में सर्वाधिक संपन्न थे। उनके पास कलकत्ता की समृद्ध बस्ती, उसके चारों ओर के गांवों का उपजाऊ प्रदेश, कासिम बाजार, ढाका, बालासूर, पटना, ये सब। कंपनी के कर्मचारियों को बहुत आर्थिक लाभ हुआ और इसके विपरीत बंगाल के नवाब और बंगाल की जनता की आर्थिक स्थिति खराब होती गई। जनता बहुत व्यथित हुई, बहुत दुखी हुई, बहुत शोषण हुआ। विजय के उपलक्ष्य में ईस्ट इंडिया कंपनी को नवाब ने 1,73,96,761 रुपए दिए। कंपनी को कलकत्ता कंपनी के अधिकार में अप्रत्यक्ष रूप से आ गया और उसके अलावा 24 परगनों पर भी कंपनी का अधिकार हो गया, जिनकी वार्षिक आय 15,00,000 रुपया थी, जो उस जमाने में बहुत ज़्यादा थी। विद्यार्थियों, कंपनी के कर्मचारियों को भी नवाब ने झोले भर भर के दिए। क्लाइव को 2,24,000 पाउंड, अब पाउंड में बात हो रही है विद्यार्थियों, वाटसन को 1,17,000 पाउंड। इसी प्रकार कंपनी के अन्य कर्मचारियों को, सैनिकों को भी बंगाल के खजाने से नवाब की तरफ से नजराने मिले, उपहार मिले, इनाम मिले, अंग्रेज़ों ने डिमांड कर करके नवाब से लिए। इसीलिए इतिहासकारों ने लिखा है कि प्लासी से बंगाल की वह लूट प्रारंभ हुई जिसने भारत के सबसे धनी प्रदेश बंगाल को निर्धन बना दिया। बंगाल की आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई। मीर जाफर से गुप्त संधि करने से पूर्व अंग्रेज़ों को अनुमान था कि नवाब के खजाने में 4 करोड़ पौंड की धनराशि है। इसीलिए उन्होंने मीर जाफर से संधि करते समय काफ़ी अधिक धन की मांग की थी। परंतु प्लासी की लड़ाई समाप्त होते होते खजाने में केवल 27,50,000 पौंड थे। परंतु क्लाइव ने मीर जाफर से संधि में तय की गई धनराशि वसूल की। अंग्रेज चाहते तो यहाँ पर कंपनसेशन, वो उनको रियायत दे सकते थे कि भाई चलो आपके खजाने में इतना नहीं है तो आप इतना डाउन पेमेंट, आप इतना जो है वो डिस्काउंट आपको हम देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बंगाल के प्राप्त धन से कंपनी ने कर्नाटक और हैदराबाद पर भी अपनी पकड़ सुदृढ़ कर ली और अपने प्रतिद्वंदियों की शक्ति को उन्मूलन करने में अंग्रेज समर्थ रहे। इस विजय के उपरांत कंपनी को बंगाल में स्वतंत्र व्यापार करने की छूट मिल गई। बिहार के कलमी सोरा के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार हो गया। कई वस्तुओं का कंपनी के कर्मचारी बिना टैक्स दिए व्यापार करते थे। कहा जाता है कि बंगाल की लूट से प्राप्त धन के सहारे अंग्रेज चीन से भी अधिक मात्रा में व्यापार करने लगे, यानी उनका व्यापार भी बढ़ गया क्योंकि अब उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए धन था। तो कंपनी को इससे बहुत लाभ रहा। कंपनी को अपनी मुद्रा चलाने का, अपनी करेंसी चलाने का अधिकार दे दिया। ऐसा करके नवाब ने अपने कोष को खाली कर लिया। पी रॉबर्ट्स लिखता है, अंग्रेज इतिहासकार, कि जब क्लाइव मीर जाफर का अभिनंदन करने मुर्शिदाबाद गया, जो कि उसकी राजधानी थी बंगाल के नवाब की, तो शाही कोष में केवल 15,00,000 स्टर्लिंग थे, पौंड नहीं थे। पौंड बड़ा होता, जैसे हमारे यहाँ रुपया है और पैसा है, तो पौंड नहीं, स्टर्लिंग 15,00,000। तो ऐसे विद्यार्थियों, प्लासी की विजय से कंपनी को ही नहीं, ब्रिटिश सरकार को भी आर्थिक लाभ हुआ। इस धारणा का समर्थन एडमिरल वाटसन ने भी किया कि इस युद्ध से पूर्व कंपनी को
व्यापार करने के लिए इंग्लैंड से गोल्ड मंगवाना पड़ता था। अब वह बंद हो गया। इस विजय के उपरांत कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों के पास भी इतना अधिक धन एकत्रित हो गया कि अब उन्हें इंग्लैंड से कुछ नहीं मंगवाना था, वो अब सक्षम थे। क्लाइव के यदि हम विद्यार्थियों आर्थिक लाभों की बात करें व्यक्तिगत रूप से, जो कि इस समय अंग्रेज़ों का कैप्टन मतलब लीडर यानी कि सर्वोच्च अधिकारी बंगाल में, तो क्लाइव को नवाब से 2,34,000 पाउंड मिले। इसके अलावा नवाब ने मुग़ल सम्राट से सिफारिश करके उमरा की उपाधि दिलवा दी। परंतु अब ये जो उपाधि उमरा की है, इसके साथ जो एक टेक्निकल लाभ है कि इस उपाधि से जागीर मिलना भी आवश्यक था, और ताकि एक उमरा अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सके, जो परंपरा थी मुग़लों के। अतः क्लाइव ने मीर जाफर से जागीर के रूप में कलकत्ता के दक्षिण में स्थित भूमि के बदले कंपनी द्वारा दिया जाने वाला वार्षिक जो किराया था 30,000 पाउंड, वो उसने अपने नाम करवा लिया। और जो यानी कि आज की दृष्ट भाषा में कहें कि जो चैक उधर जाना था उस नाम, वो चैक अब क्लाइव के नाम होना तय हो गया। 1760 में क्लाइव जब इंग्लैंड लौटा तो विद्यार्थियों उस समय उसकी आयु केवल 35 वर्ष थी, लेकिन एक धनाढ्य व्यक्ति के रूप में लौटा था जहां उसने रईसों का जीवन व्यतीत किया। यदि हम इस क्लाइव की नैतिकता की यदि खोजबीन करें, नैतिक महत्व की, तो ठीक है, अंग्रेज़ अपने उद्देश्य में कामयाब हो गए, लेकिन उन्होंने छद्म राजनीति का सहारा लिया। उन्होंने भारतीय व्यापारी व जागीरदारों को षड्यंत्रों में फंसाकर अपना उल्लू सीधा किया। वस्तुतः स्पष्ट है कि अंग्रेज़ों ने वीरता के स्थान पर कपट राजनीति का सहारा लेके बंगाल में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उन्होंने फूट डालो राज्य करो की नीति का अवलंबन किया। प्लासी के बाद अंग्रेज़ों द्वारा की गई लूट ने स्पष्ट कर दिया कि उनमें कोई नैतिकता नहीं है, वे रिश्वतखोर हैं, बेईमानी से चुंगी की चोरी करते हैं, चोरी और उस फिर अनैतिक दृष्टि से धन कमाते हैं, अनैतिक दृष्टि से प्रजा से धन ऐंठते हैं। तो नैतिकता जो है वो बिल्कुल प्रतीत नहीं होती है अंग्रेज़ों के अंदर। ऐसे ही भारतीय अधिकारी कर्मचारी भी बहुत ही अनैतिक आचरण कर रहे थे, जैसे मीर जाफर, लतीफ़ यार खां और हिंदू व्यापारी अमीचंद सेठ। इनसे स्पष्ट हो जाता है कि ये लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इन्होंने बंगाल को नीलाम कर दिया, बंगाल को बेच दिया। सैनिक महत्व की बात करें, पहले भी चर्चा के प्रारंभ में भी स्पष्ट किया, अंग्रेज़ों की इस विजय से सिद्ध हो गया कि भारतीय सेना एक भीड़ के रूप में युद्ध करती है, युद्ध कला से परिचित नहीं है जो आधुनिक उस समय की जो आधुनिक युद्ध कला थी। टेक्निक, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, इन सब की कमी, इसके कारण उनको बड़े आसानी से पराजित कर दिया। इसीलिए एक कर्नल मिल ने प्लासी से 10 साल पहले कह दिया था कि सुप्रशिक्षित यूरोपीय सेना के सामने भारतीय सेना एक क्षण भी नहीं टिक पाएंगी, वो बात सही निकली। मीर जाफर की सैन्य शक्ति कंपनी की सैन्य शक्ति के मुकाबले में अति निर्बल सिद्ध हुई। बंगाल की सेना अंग्रेज़ों की सेना का मुकाबला नहीं कर सकी। मीर जाफर ने बारूद की खानों का एकाधिकार भी अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। इससे कंपनी का तोपखाना शक्तिशाली हो गया और नवाब का तोपखाना बिल्कुल स्पष्ट है कमज़ोर होना था। बारूद पर अंग्रेज़ों का एकाधिकार हो जाने से भारतीय नरेश और नवाबों के सुदृढ़ दुर्ग भी अब अंग्रेज़ों के साम्राज्य विस्तार में बाधक नहीं रहे।
इसीलिए सरकार व दत्त यानी कि जदुनाथ सरकार और के दत्ता जो हिस्टोरियंस हैं वो लिखते हैं कि प्लासी की विजय से ही भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव पड़ी। तो विद्यार्थियों स्पष्ट है कि 1757 की ये जो क्रांति है, प्लासी ने बंगाल में अंग्रेजी सेना की सर्वोच्चता स्थापित कर दी, अंग्रेजों के प्रतिद्वंद्वी असक्त हो गए, कंपनी को अपनी सैनिक शक्ति को और प्रबल बनाने हेतु और ताकतवर बनाने हेतु बंगाल से बहुत सारा धन और बहुत सारी भूमि प्राप्त हो गई। अब विद्यार्थियों, मीर जाफर के नवाब के रूप में ये जो अध्ययन है हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।